आखिरकार ये नया काम स्टार्ट किया, ये सिर्फ मुमटी है, ठीक है। ये 26 फुट लंबा है, और दूसरा बात ये 10 फुट इसका चौड़ाई है, लंबाई जो है 26 फुट है, और हाइट भी 10 फुट है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद वो अपना पुराना वाला काम पे जाएंगे जिसमें हम लोग रहते हैं। तो धूप निकला हुआ है अच्छा खासा, सुबह का टाइम है, बहुत मज़ा कर रहे हैं। अभी नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। तो सफदर हमेशा की तरह खड़ा रहता है, और इधर उधर हमारे पठान लोग थे वो थोड़ा दिल के अच्छे थे, और यहाँ हम जो काम कर रहे हैं वो कंजूस लोग हैं, ये नाश्ते का बंदोबस्त नहीं करते, ये खुद करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये मुंटी है, ये आप देख सकते हैं, अभी जाकिर मसाला मिक्स कर रहे हैं, और धूप निकला हुआ है, बहुत मज़ा कर रहे हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, ये वो बनाए हुआ है, देखो लंबा हासा मुंडी है, ठीक है ना। इसको खत्म करेंगे सीढ़ी के साथ, ये दीवार है, और इसका आगे का जो हिस्सा है फ्रंट वाला ये कर लेगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर पानी डाल दिया मैंने, अभी मतलब और डालना पड़ेगा, अभी ये तर नहीं है पूरा, तो अच्छा इंशाल्लाह इस अच्छा पर सीढ़ी का, और उसके साथ ये दो दीवार है या तीन दीवार है कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये दीवार है, थर है, तीनों इसको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये देख सकते हो, तो अभी थोड़ा गपशप करते हैं। ये जाकिरा, जाकिरा नवे कार देखो, फख दे 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 वाले खपा दे, पेट पेट खा रही है, पेट खा रही है। ओहो, इस पेट में कुछ नहीं है। मिक्स है। अभी हम ये क्या कर रहे थे, बड़ा रहता है, ठीक है, चुनाई वाला रहता है, और साथ में बारीक रेत लेके प्लस्तर वाला, तो उसमें अभी मिक्स किया इसी में, ठीक है। इसको छोड़ दिया क्योंकि इसमें बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत मोटा रहते हैं ये, इससे प्लस्तर अच्छा नहीं आता, बारीक वाला जो है बहुत ज़बरदस्त इसका आता है। तो इसलिए दोनों को मिक्स करके अभी इसको हम चाप करेंगे छत के ऊपर, ठीक है ना, और काम कर देंगे। और ये है जाकिर मल्होत्रा, अभी ये सही मिक्सिंग होगा, देखो तकरीबन 3 कल्टी दे दिए इसको, उसके बाद ये भी ये छत के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह सफदर खपा ही रहता है, ये कभी खुश नहीं हुआ ज़िंदगी में, इसका जो स्टाइल है परेशानियों वाला है, टेंशन वाला है, और सिर्फ पेट की चक्कर में होता है कि पेट में कुछ मिट्टी वगैरह डालू बस। खाने की चक्कर में बेचारा रहता है, मतलब क्या करे यार, मजबूरी है, ये जगह में स्कूटर वगैरह नहीं है साथ में, इसको थोड़ा कम मिलता है। हाँ यहाँ ऐसी मेरी जोड़ा है। और जाकिर खैर है, चलो ये नीला आसमान है, देखो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो जो नहीं हम काम फिनिश कर देंगे, दा तरकी कार देखो 2012 की शवे दे, 10-12 साल हो गया, ये किधर ख़त्म होगा एक दिन में। इस टाइम हम गोल्डा मोड़ में है, इन्हें पिंडी में, ठीक है, काम कर रहे हैं। हाँ इधर के साथ तार बिल्कुल नहीं, देखे देखो बीच जी का 11,000 लाइन भी जा रहा है यहाँ से, और ये मेन तार जो है बीच है, और बिजली जिससे हम कनेक्शन लेते हैं वो भी साथ में जा रहे हैं, और ये 11,000 भी जा रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अल्लाह रहम करे उसको ख़त्म करे, हमारा साथ कम्प्लीट हो जाए। अच्छा
रसोली वाले दी ना हां रसोली वाले का दी तो एक बार फिर सरदार ने रुमाल बांध लिया है और शाम का टाइम है आज हम बिजली की वजह से लेट हो गया और एक दूसरा इतना लेट दिन भी छोटे है ठीक है ऐसा नहीं इश्पाक लोग बोले कह रहे डेली शाम तक काम कर रहे लेकिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम 6 बजे छुट्टी करते हैं ठीक है 6 बजे नहीं आज थोड़ा लेट हो गया और क्योंकि 5 बजे हम करते हैं शाम की अजान के साथ ठीक है ना मगर आज काम ज़रूरी था इसलिए बस थोड़ा लेट हो गया अभी पता नहीं किधर चले गए अंधेरा अंधेरा है सारा इसको बस देखो सफदर को देखो यार हाँ सफदर इखनी था ना चादर हमाम रास्ते जाकिर से शो जाने था पता लिख रहे ज़बरदस्त कपड़े चेंज किए और सब ने कपड़े चेंज किए हुए हैं ठीक है तो अभी हम जाएंगे डेरे में और रोटी का बंदोबस्त करेंगे साथ में चाय भी पियेंगे स्टिंग भी पियेंगे सब कुछ खाएंगे पियेंगे मूँगफली भी खाएंगे ठीक है ना हर चीज़ खाएंगे बस सिर्फ खाएंगे और पियेंगे और कुछ नहीं है ठीक है तो यही मसलों मसाइल है भी बस हम जाएंगे ठीक है और डेरे पहुँच के आप लोग देख पाएंगे हमारा डेरा भी ठीक है सामान लिया हुआ है और अभी जा रहा है डेरे में अंधेरा है ठीक है और ये है गोल्ला मोड़ जाकिर भी साथ में जा रहे अपना सामान लिया हुआ है और सरदार भी जा रहे अंधेरा है और मेरे साथ में ये दुकान है ठीक है और रात के समय बहुत ज़्यादा सर्दी जगह जगह में आग लगा हुआ है देखो मगर मज़ा कर रहा है ठीक है ये गोल्ला मोड़ में हम काम कर रहे हैं ठीक है और यहाँ भी हम जा रहे हैं डेरे में और ये फैक्ट्री है ठीक है जनरेटर लगा हुआ है बहुत बड़ा आज सोचा कि यार थोड़ा रास्ते से भी वीडियो बनाऊँ और आप लोग देखो हम फिर जाते हैं ठीक है बहुत बड़ा जनरेटर है मैं दिन रात काम हो रहा है ठीक है बहुत बड़ा बच्चे है ये छोटा सा मस्जिद है छोटा सा नहीं बड़ा मस्जिद है मगर सामने से छोटा नज़र आता है और इधर गाड़ी वगैरह खड़ा है ये ठीक है और ये हमारे बाथरूम मस्जिद बनी दल दलते भी इनसे कहना तो अभी हम डेरे को नज़दीक है थोड़ा सा 5-6 मिनट में पहुंच जाएंगे ठीक है तो सर्दी भी है और क्योंकि सर्दी का मौसम है और ये नवंबर का महीना चल रहा है तो इसके बाद तकरीबन 10-20 दिन बाद और भी सर्दी बढ़ जाएगा फिर मिसाल के तौर पर रात को तो भी सर्दी होता है ज़्यादा अगर दिन को भी ज़्यादा सर्दी होगा फिर ठीक है ना तो आजकल दिन थोड़े अच्छे हैं क्योंकि वो सर्दी ज़्यादा नहीं है ठीक है इसमें तो ये सरदार यखनी है ना ना इस दिन बाद भी यखनी की सेवा की शतरोजी ने शतरोजी बाद गणेश कर दिए बाहर हाँ तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हम डेरे में पहुंच गया अपना बैग ये अभी सेट कर रहे ठीक है ये हमारा बेड़े और अभी हम नींद करें हमारा रात का यही रूटीन है और आज बहुत मुश्किल काम था एक मुमड़ी था उसको ख़त्म करना था मगर फिर भी ख़त्म नहीं हुआ बहुत ज़्यादा काम था उसमें ठीक है कम से कम 12-13 घड़े काम था उसमें तो कम ज़्यादा काम खींचते भी थोड़ा सा बाकी कल करेंगे ठीक है और सफदर भी है साथ में हम लोग पहुँच गए तो अभी हम क्या करेंगे रोटी का बंदोबस्त करें उस्मान चले गए रोटी के लिए और चाय शाय पियेंगे उसके बाद जो है ना फिर हम नींद का सेटिंग करें हमारा तकिया वगैरह ठीक है इधर चार्जर भी पड़ा है और उसके बाद हम सोएंगे इंशाल्लाह तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था क्योंकि
हम सुबह काम के लिए जिस टाइम जाता है वो भी आप लोगों के साथ पूरे रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी का हमारा काम का रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारा वीडियो सारे व्लॉग इसी मौजूद है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।